भाई शिमला में बर्फ पड़ी होगी तो इस टाइम मसूरी में भी बर्फ तो होगी होगी ये तो मसूरी। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, तो अभी मैं बाहर आया हूँ तो कुछ सामान लेना था इसलिए बाहर आया हूँ मैं। तो बस अब सामान लिया है एंड अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो अब वैसे तो बीएड भी सेट कराने मैंने, आप देख सकते हो थोड़ा भी ग्रूमिंग की जरूरत है बीएड को, तो सोचा आपको एक नया अपडेट दे दूँ। तो जो ट्रिप का अपडेट है वो ये है कि अब ले देकर ना प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ डेट वगैरह में, बट एक तो लोग चेंज हो गए मतलब एड ऑन हो गया है। तो सचिन जो है वो भी साथ चल रहे हैं हमारे, तो आज तक अभी सचिन नहीं गया तो पहली बार उसका प्लान बना है साथ चलने के लिए। तो वो भी कह रहा है कि हाँ मैं भी चलना चाहता हूँ, तो हम चार लोग हो गए हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। एंड बाकी अब ये है कि ऐसे से टिकट बुक करनी है, आपको बताया था कैब से जाना है, तो अब कोई कह रहा है वॉल्वो से चलना है, कोई कह रहा है कैब से चलना है, तो अब वो भी डिसाइड करना है। तो अब थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस कॉल होगी एंड कैसे जाना है वो भी डिसाइड होगा, तो कॉन्फ्रेंस कॉल का वेट करते हैं। अभी साहिल से कॉल बात हुई थी तो अभी वो दोनों तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड फिर होगी कॉन्फ्रेंस कॉल एंड फिर डिसाइड होगा कैसे जाना है। 31st प्लान है, अब बस ऊपर नीचे ना हो क्योंकि 31st 2 साल पहले भी गया था मैं, सॉरी नहीं 2 साल पहले नहीं 1 साल पहले गया था मैं, नहीं 2023 आ गया, ठीक है 2 साल पहले गया था। तो बस प्लान कैंसिल ना हो, बाकी आपको साथ साथ अपडेट देते रहूँगा मैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वेट करते हैं फिर आपको बताऊँगा। चलते हैं अब घर। तो वैसे तो मैं घर आ गया हूँ एंड अभी बीएडी सेट कराई थी मैंने, तो मैं सोचा शाम को कराऊंगा, शाम को फ्री टाइम होगा तब कराऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। सुबह सुबह वैसे ही मन नहीं था और मैं अभी ऐसे आते हुए सोच रहा था कि कॉन्फ्रेंस कॉल तो ऐसे हो रही है जैसे कहीं स्पेन जा रहे हो। अरे भाई यहीं तक तो जाना है, डिसाइड करो क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या है। तो चलो कोई बात नहीं, जिसका भी अलगपन है। तो बस ऊपर जा रहा हूँ, तो टाइम हुआ दोपहर के 12 एंड अभी सबसे बात हुई एंड समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एक प्लान डिसाइड नहीं हो पा रहा हमारा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो अभी सचिन कह रहा है, जो आपने बताया मैं रिसेंटली कि सचिन भी आ रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे से कैब पे चलते हैं एंड गगन साहिल कह रहे हैं वॉल्वो चलते हैं, तो इसलिए डिले हो रहा है अभी जो भी हो रहा है, मतलब प्लान डिले नहीं बट जो भी एक डिसीजन है, बट आज के दिन तो डिसाइड करके रहेंगे एंड कैब बुक करनी है या फिर बस बुक करनी है कुछ भी करते हैं वो डिसाइड करके रहेंगे। तो अब इसके लिए दोबारा से मीटिंग प्लेस आपको पता ही है M2K सेक्टर 3, आई डिसाइड हुआ सबका मिलना, सचिन मैं साहिल और गगन, तो हम सब जा रहे हैं एंड फिर डिसाइड करेंगे शाम को कैसे से कहाँ, मतलब कहाँ नहीं कहाँ, तो देखो कहाँ बोल रहा हूँ मैं अभी क्योंकि होता ना ऊपर नीचे प्लान हो रहा है बार बार क्या करना क्या नहीं करना, तो इस वजह से। तो अब शाम को मिलूंगा सबसे एंड फिर डिसाइड करेंगे एंड फिर फाइनली डन हो जाएगा कि हाँ भाई 31st को शिमला जाना है एंड कैसे जाना है बस आज डिसाइड हो जाएगा। आता हूँ थोड़ी देर में। तो टाइम हो गया रात के 8 एंड मैं आ गया हूँ मैक्स को घुमाने, तो जैसे भी घर आया था एंड मैक्स वेट कर रहा था, आज काफी लेट हो गया घुमाने के लिए, तो जैसे आया एकदम बाहर आया भागता हुआ कि बस भाई बहुत हुआ, मैंने कहा 2 मिनट रुक जा चेंज करने में फिर चल रहे हैं, तो बस चेंज करके आ गया, बस अब घर जाने एंड फटाफट निकलूंगा एंड फिर मिलते हैं उनसे एंड आप सबको मिलवाते हैं उनसे, चलते हैं। तो ये रहा गगन, ये रहा सचिन, ये रहा साहिल, क्या हाल है बढ़िया भाई बढ़िया। अरे भाई इतना अंधेरे में हो तुम भाई साहब, अंधेरा पसंद है। ओहो कटिंग कराई है आज उसने भी कराई है। ओहो अंधेरे में कराई है। कितने की? 150 की दोनों की? नहीं एक एक मैंने महंगी कराई है इससे 160 की। तो आज सचिन आए क्यों भाई, क्या था ऐसा है? क्या था ऐसा पेडिक्योर? नहीं नहीं वो मुझे देख के ना लोग लूट लेते हैं, बोला बोला है क्या दिखता है बोला नहीं। अच्छा मैं कुछ और समझा, मैं कुछ और समझा, आओ करें प्लानिंग अब। तू तो भाई जल्दी आ गया, कैसा लगा जल्दी आके? बहुत अच्छा लगा, ये क्या घूमने की जगह है भाई, शॉपिंग उसे बता तो देता भाई, लेट आना है, लेट आना है। हाँ वो निकला है दादू, तूने तो अभी आया है। मैं तो अभी आया हूँ, तूने तूने मेरे को होगा पहले भाई, पर्सनल काम होगा उसको भाई, इज राइट। क्या काम था बताओ? वो पर्सनल काम बताने वाला थोड़ी पर्सनल क्या रह जाएगा फिर,
क्या बात है गगन, कितने सालों बाद, कितने सालों बाद, मतलब थोड़ी देर में फिर कंटिन्यू करें, प्लानिंग करें कहाँ की, शिमला। हाँ भाई मैं ये कहता टहरी का भाई कुछ टहरी नहीं भाई, टहरी या तो वॉल्वो या कैब पे जाना है भाई, डायरेक्ट वॉल्वो मुझे लगा अपने अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में जाना। अरे पहले सुन तो ले, पहली बार डायरेक्ट तो वहाँ की कुछ है नहीं, वॉल्वो वगैरह और टहरी दूर है, कैब बहुत महंगी बैठ जाएगी, ये कह रहा था मैं, इसलिए कह रहा था टहरी का तो हो नहीं पाएगा देख अभी। फिर तू बोल भाई, तू देख ही नहीं रहा ब्लॉग में, बता भाई कोई और बता दूसरी जगह, यही तो दिखाना है भाई, प्लानिंग कर रहे हैं प्लानिंग, और क्या, और सोचो कहाँ जाएंगे। तो भाई साहब कुछ तो होगा, मतलब शिमला भी फिक्स नहीं है अभी, अब तो फेमस हिल स्टेशन है छोटा मोटा तो नहीं, कौन सा, मसूरी कुछ तो होगा, नहीं है भाई, देखो यार फिर से मसूरी के लिए बोल रहे हैं भाई, जबरदस्ती कर रहे हैं। देख तूने कहा था मेरे से कि भाई शिमला में बर्फ पड़ी होगी, तो इस टाइम मसूरी में भी बर्फ तो होगी, होगी अभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है मसूरी के लिए, मैं नहीं फिर दोनों के अलावा तीसरी जगह डिसाइड करता हूँ, मसूरी और चलो शिमला नहीं जाना अलग बात है, मसूरी यार शिमला चल सकते हैं, लेकिन वो था कि नई जगह हो जाएगी भाई, हम इसलिए अभी सोचते हैं बैठते हैं फिर डिसाइड करते हैं। तो फाइनली डिसाइड तो क्या ही हुआ है, शिमला ही डिसाइड हो गया ले देकर कि शिमला ही जा रहे हैं, तो बुकिंग अभी किसी रीजन से नहीं कर पा रहे, ठीक है तो हम बुकिंग करेंगे आई गेस नेक्स्ट वीक क्रिसमस के अराउंड, तो हम जाएंगे शिमला, हाँ शिमला जा रहे हैं भाई, तू क्यों उदास है भाई, शिमला कोई दिक्कत नहीं है, रोज क्या लगाना है, वो नहीं आ रहा तो दिक्कत वाली बात क्या है इसमें, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अच्छा लग रहा है, खुश रहो, सही है ना भाई, खुश हो ना, ओह मोमोस खाए जा रहे हैं गगन, अरे तुम भी खा ले, चिप वेज कॉप्टिक, साहिल बोल ले भाई, टेस्टी वेरी टेस्टी, रिव्यू थोड़ी कर रहे हैं भाई, आओ खाएं, चलो भाई सचिन दोबारा मिलेंगे भाई, ओके भाई, ओके, अरे तू तो वहीं चल रहा है, तेरी स्कूटी वहीं पे ही है भाई, ओह पासवर्ड दिख गया मुझे, अरे पेटीएम क्या दिखा रहे हो, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, ओके गोल्डमैन, ओके भाई मिलेंगे, अब कहाँ पर, हेलमेट गिर गया, हेलमेट गिर गया, करनाल बाईपास, करनाल बाईपास मिलेंगे भाई, अरे तुझे तो बाय करी नहीं मैंने, ओके जिंग बस बुक करे, नहीं भाई, अच्छा भाई कर लेंगे जिंग बस पे जाएंगे बस, चलो भाई बाय बाय, अरे प्रमोशन हो गया जिंग बस का, 100 रुपए तो दे दो यार, दुनिया बहुत खराब है, मेरे से तो मिलेगा नहीं भाई, ना 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 अब नहीं, अब नहीं, नहीं होते भाई। तो टाइम हो गया रात के 10:15 एंड जस्ट वापस आया हूँ मैं, एंड आज तो एकदम ऐसा वेदर लग रहा था कि भाई साहब इसे कहते हैं ठंड, तो अब थोड़ा बहुत तो चेंज आएगी वेदर में, सुबह की ठंड और रात की ठंड आ चुकी है, दोपहर शाम को तो ऐसे रहता है, शाम में थोड़ी बहुत होती है बट इतनी नहीं होती, तो आज तो वापस आया मैं, आज सच में लगा भाई साहब से कहते हैं ठंड, तो बस तैयार हो जाओ क्योंकि अब ठंड आने वाली है प्रॉपर, जनवरी आने वाला है, तो अब जितनी भी आपकी जो मोटी जैकेट है अभी मैं भी देखो पतली जैकेट में ही घूम रहा हूँ, तो बस कुछ ही टाइम में मोटी जैकेट पहन के घूमना पड़ेगा, तो बस अब ले देकर यही प्लान हुआ है जो आपको दिखाया व्लॉग में, ऐसे से नेक्स्ट वीक तक हम टिकट बुक करेंगे, अब बस हो गया किसी रीज़न से कि ऐसे अभी नहीं कर रहे बुक, क्योंकि थोड़ा था कि ये ना कैंसिल हो जाए बाद में या कुछ है, तो हमने कहा छोड़ो भाई कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, क्योंकि यही टाइम सबसे बेस्ट है दिसंबर और जनवरी जो घूमने का है, वैसे तो पूरा साल ही होता है घूमने का, लेकिन ये दोनों जो महीने होते हैं बेस्ट होते हैं जो एक पहाड़ों के होते हैं, और अगर आपका अच्छा बजट है कि आप कहीं जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कश्मीर जाओ, क्योंकि उससे अच्छी जगह कोई नहीं सही में, वहाँ का वेदर और वहाँ के जो व्यूज़ है ना वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं उसका, तो अगर आपका बजट अच्छा है 15-20 हज़ार या कुछ ऐसा तो आप कश्मीर जाओ, उससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं, लिटरली एक होता ना हेवन जिसे कहते हैं, मतलब इतने टाइम से सुनता आया था हेवन है कश्मीर, कश्मीर हेवन है, कश्मीर हेवन है, सच में है, ज़रूर जाना अगर आपका बजट है, वरना मनाली में भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है एंड शिमला में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो ठीक है
बस कैंसिल ना हो यही है मेरा तो। चलते हैं यहाँ से अब। तो टाइम रात के 11:30 एंड जस्ट हुई फाइनल खत्म हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। तो अर्जेंटीना जीते अभी। तो मैं नहीं देखता बिल्कुल ही फुटबॉल, बट लास्ट का जो है आधा घंटा, मुश्किल से आधा पूरा घंटा देखा मैंने, क्योंकि एक फाइनल की एक अलग वाइब होती है। एंड आई गेस ये एक सच बात है, इंडिया में ना आधे से ज्यादा लोग फुटबॉल देखते भी नहीं है, एंड बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं इंडिया में जो सिर्फ स्टोरी डालने के लिए दिखाते हैं, देखो भाई अर्जेंटीना जीत गई, ओहो मेसी मेसी, दो ही नाम आते हैं मेसी रोनाल्डो मेसी रोनाल्डो। तो आप उनसे बैठ के पूछोगे ना कि पांच प्लेयर के नाम बता दे भाई अर्जेंटीना के, या फिर पांच प्लेयर के नाम बता दे फ्रांस के, कहेंगे वो तो पता नहीं है। तो थोड़ा उतना बस बस देखो भाई स्टोरी पे अच्छा लगेगा, ओहो हमने भी देखा या कुछ है, तो पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, क्या मिलता है उनका, मैं बोल रहा हूँ नहीं देखता इसमें क्या है, सबका अपना इंटरेस्ट होता है थोड़ा यार इसमें, ये मुझे बहुत अजीब लगता है शुरू से। चलो कोई बात नहीं, बाकी अच्छा था फाइनल जो मैंने लास्ट का देखा। तो अगर आपने भी देखा, तो अगर आप चाहे डाई हार्ड फैन है या फिर फेक फैन है, अगर आपने मैच देखा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मैच। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, यहीं से आज के व्लॉग तो हम करते हैं। व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।